गूंजेंगे और जरूर गूंजेंगे। और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इस बार इंशाल्लाह तुम एक हंसते खेलते बच्चे की मां जरूर। अगर इस बार भी किस्मत ने साथ ना दिया तो आप अपने नाम की खातिर, खानदान की खातिर दूसरी शादी कर लीजिएगा। जिस तरह से भाई, जिस औरत से औलाद ना हो उसका वजूद बेकार होता है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो कुदरत की बात है। मगर कुछ नहीं, बस चंद दिनों की बात है। और इंशाल्लाह इस बार खुदा हमें अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा। क्यों साहब, क्या आपकी बीवी का भी डिलीवरी केस है? तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपकी परेशानी देखकर अंदाजा होता है कि यकीनन आपके यहाँ पहली औलाद हो रही है। इत्तेफाकन आपने सही अंदाजा लगाया। वैसे मेरे ख्याल से आप भी इसी सिलसिले में परेशान। नहीं साहब, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि ये तकरीबन मेरा 11वां बच्चा पैदा हो रहा है। इत्तेफाकन क्या? क्या मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ये क्या फरमाया? मेरे हाथ से जुड़वा बच्चों का सुन के बेहोश क्यों? या मेरे मौला, एक यह है जिन्हें बच्चों की जरूरत है और एक मैं हूं जिसकी सारी जिंदगी से यह तमन्ना है मेरे घर के आंगन में भी एक महक का फूल खिल जाए।
तेरे आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा आप डांट क्यों रही मुझे? ए भाई जान, भाई साहेब, अरे मियाँ जब दोनों बच्चे आंखें खोल लेना उसमें से एक मुझे दे देना, अगर नस्ल अच्छी हुई तो पाल लूंगा। केस काफी सीरियस है, मुमकिन है हमें ऑपरेशन करना पड़े, आप इस पे दस्तखत कर दीजिए। मगर डॉक्टर साहब वो इत्मीनान रखें, खतरे की कोई बात नहीं, आपकी बेगम का पिछला केस भी मैंने किया था। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन आप ये भी तो जानती हैं कि कुदरत आज तक उसके साथ कैसा अनोखा मजाक करती रही। मुझे मालूम है उनके यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होते हैं। डॉक्टर अगर इस बार भी उसके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेगी, उसे बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर उसे बचा लो, कांट यू डू इट? जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर लुक हियर, उसका बचना बहुत जरूरी है, किसी तरह से मेरे बच्चे को बचा लो, वो बच जाएगी। उसके लिए अगर 5,000, 10,000, 20,000, डॉक्टर उसे 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 बचा लो। डॉक्टर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुकी, लीजिए दस्तखत कर दीजिए। प्लीज बी केयरफुल। ऑल राइट, आई विल डू माय ड्यूटी। आप घबराइए नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं इखलाकी तौर पर आपकी पूरी मदद करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो, आपका काम हो गया इखलाकी तौर पर। क्या मतलब? आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था और एक दवाई किया जिंदा, मैंने डॉक्टर को भी पता नहीं चलने दिया और इखलाकी तौर पर बच्चा बदल दिया। वैसे भी तवायफ के लिए लड़का खोटा पैसा और आपके लिए लाख रुपए की चीज है। तवायफ का बेटा अच्छी नस्ल का मिला ही नहीं, जल्दी में जो हाथ लगा वो दे दिया। इनाम नहीं देंगे सरकार? बस मैंने तो कुछ 10-20 हजार की आवाज सुनी थी। शुक्रिया शुक्रिया। मेरी सरीना की गोद में तवाइफ का बच्चा। शेर पिंजरे में नहीं, आजाद अच्छा लगता है। मगर जंगल के शेर को गोली भी तो मार दी जाती है। तुम तो खुशकिस्मत हो दादा कि सिर्फ इस पिंजरे तक ही पहुंचे हो। बोलो मत, फैसला होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। जज अकबर तक इतनी जबरदस्त सिफारिश पहुंचाओ कि वो मुझे रिहा करने पर मजबूर हो जाए। रुपए से बड़ी कोई सिफारिश नहीं होती दादा, और आज हम इसी सिफारिश को आजमा रहे। अब तक हमारे आदमी जज अकबर अली को खरीद चुके होंगे। उसे पांव में उड़ाओ ताकि फैसला हमारे हक में हो सके। तुम देखते जाओ दादा, पर सुनता क्या है। इंसाफ होगा, इंसाफ किसी सिफारिश का मोहताज नहीं। जमील साहब से कह दो वो मुतमईन रहे। अगर आप जग्गू दादा को रिहा कर दें तो हम आपकी पूरी पूरी खिदमत करने के लिए तैयार। इंसाफ को खरीदना चाहते हो तो इंसाफ अनमोल है, पर मुझे खरीदना चाहते हो तो मैं बिका नहीं करता। मैं वही करूंगा जो मेरा जमीर कहेगा, कानून कहेगा, खुदा का इंसाफ कहेगा। यहां से चले जाओ,
वरना मैं तुम्हें रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार करा दूंगा। चले जाओ। गवाहों के बयानात और वकील इस्तगासा की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम जग्गू पर बच्चों और लड़कियों को अगवा करके फरोख्त करने, सोने की स्मगलिंग और गजा में मिलावट करने के इल्जाम दुरुस्त हैं। लिहाजा अदालत जग्गू वल खैरू को जेर दफा 363 ताजी रात पाकिस्तान 8 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दे दी। अबाके और देख नहीं था दाएं कान पे मेरे मक्की बैठी हुई, उड़ा सुनी रहा इसको, चलो जाओ। पता नहीं क्या हो गया इस काम को, कोई काम ही नहीं करना चाहता, हाथ हिलाते हुए तो दम निकलता है सारों का। अबे ओ माली इधर आ, हमेशा आराम की खाता है, कोई काम भी किया कर, देखता नहीं कितनी देर से मेरी टांगे नीचे को लटकी हुई, इनको उठा के ऊपर रख चल। भारी हरकत में बरकत होती है, कोई काम भी किया कर कभी। सारा दाग उतर के रहेगी अंदर के पुल भरा, मुझे तेरे काम से ही फुर्सत नहीं है। और मेरे कौन से काम करता है आखिर, बाघ उजड़ के रह गया और मैं कोई अपाह ढूंढ लू ना हूँ लंगड़ा हूँ, तू मेरे काम ही करता रहता है, कौन सा मेरा काम। कुछ फूल और ले आओ, खजाने में लगा दे। जा जाके फूल ला, क्या सिर पे लूडो पहन के आ गया, चल जल्दी कर। वो जा गुलशन, क्या है इधर आ बैठ जा। क्यों मेरे साथ बैठ के मीठी मीठी बातें कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू भी उठकर कोई काम कर, और कुछ नहीं तो ये मेज ही साफ कर। तू कहे तो पूरे शहर के गटर साफ करूं। अभी तो फिलहाल मैं इनकी नौकरों की तबीयत साफ कर रहा हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं इनका हिसाब भी साफ करता हूँ। तुम्हें लोग मुंशी हड हराम ठीक ही कहते हैं, लेटे लेटे सब कुछ बता रहे हो, उठकर कोई काम क्यों नहीं करते। लो बेगम साहब और साहब भी आ गए। कान बेगम साहब बता। तुम्हारे चेहरे पर ना मुस्कुराहट है ना खुशी है, ऐसी खुशी के मौके पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ये तुम्हारा अपना बच्चा है, कोई किराए पर नहीं लाए हो। अच्छा तो फिर खुशी के मौके पर क्या होगा भी? होना क्या है भाईजान, मोहल्ले भर के बच्चों में मिठाई तकसीम होगी, फुफरा को खाना खिलाया जाएगा और हमारे लिए मुजरा कराया जाएगा। मुजरा? मुजरा नहीं होगा फुफरा। अब कैसे नहीं होगा, मुजरा तो हमारी पैदाइश पर भी हुआ था और हमारे अकीदे पर भी और हमारी बिस्मिल्लाह पर तो ठुमके लगे थे ठुमके। अजी क्यों नहीं लगते, हम रईसों के यहाँ ऐसे मौके पर यही कुछ होता है। इतनी उम्र हो गई भैया लेकिन मुजरों का शौक नहीं गया। शौक का ताल्लुक उम्र से नहीं दिल से होता है बहन, कान खोल कर सुन लो बेटे, मुजरा होगा और जरूर होगा। दीवाने हैं लोग, दीवाने हैं लोग, दीवाने हैं क्या काम किया करते हैं।
से आया होता है, कैसे नादान हैं होंठों को सिया करते हैं, फूलों को छोड़ के कांटों को लिया करते हैं, लोग दीवाने हैं। माली नहीं बन सकता है? तो फिर मुझे अपनी गुलशन का माली बना लो। गुलशन का माली? अबे मैंने तुझसे हजार मरतबा कहा कि मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से मत लाएगा, वरना घास की तरह काट के फेंक दूंगा। ओ कचारे, क्या कहा चाचा जी? ऐसे ही है कि मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपनी फर्जंदी में ले लो, अपनी टी का शौहर बना लो। शौहर बना लो? अरे उसका रिश्ता तय हो चुका है। हो चुका है? मुबारक हो। खैर मुबारक हो। ओए माली, किससे हुआ ये रिश्ता? क्यों हुआ ये रिश्ता? कब हुआ ये रिश्ता? कौन है वो जिससे हुआ ये रिश्ता? अरे मेरा भतीजा खुदा बखाश। और लेटर बकास? नहीं लेटर, अबे खुदा बखाश, लीबिया में काम करता है, ढेर सारे रुपए कमा के लाएगा, फिर मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। लीबिया में काम करता है, खुदा बख्श उसका नाम है। करा लेता हूँ पुत्र तुम्हारी, तो मैं धूमधाम से शादी, ऐसी आतिशबाजी छोड़ूंगा कि सारा दिन सड़ते ही रहो। क्या बात है जरीन, बहुत खुश हो आज? क्यों ना, आज पहली बार मेरे बेटे ने बैठना शुरू किया है। देखो बेटो, तुम्हारे अब्बू आए हैं, सलाम करो। नी देखिए, आपका बेटा आपको सलाम कर रहा है, दुआ दीजिए ना अपने बेटे को। खुदा करे ये बड़ा होकर मेरी इज्जत को संभाल सके। क्यों नहीं संभालेगा, आखिर फोन किसका है? जरीना की जिंदगी की खातिर ये जहर खामोशी से पीना ही पड़ेगा। चलो बेटे, आप इस गुलदान को तोड़ भी दो, हैंडल पे मार के घंटा हो गया तुमको पकड़े हुए।
बेटे इस तरह नहीं तोड़ते हैं, देखो इसको ऐसे पकड़ के ए, यो मारते हैं तोड़ते। आए आए ये क्या किया तुमने, सारा गुलदान ही तोड़ दिया, लपड़ मारो तुमको। क्या बैठे बैठे बच्चे को बताए जा रहे हो, ये नहीं हो सका कि उसके हाथ से गुलदान पकड़ लो, खामखा तोड़वा दिया। गुलदान टूटने का तुमको इतना फिक्र है, मेरा जो दिल टूट गया उसका फिक्र ही कोई नहीं। क्या मतलब? मतलब ये मुझको आंखें मत दिखा, मेरे साथ आंखें मिला। देख बेगम साहब ने और साहब ने आपस में आंखें मिलाई है तो माशाल्लाह उनका दूसरा बच्चा भी होने वाला है, या हो तक हो चुका होगा क्योंकि साहब गए हुए हैं अस्पताल। मुबारक, अल्लाह ने आपको बेटा दिया। थैंक गॉड, मेरा बेटा। खुदा के लाख लाख शुक्र अदा करो बेटे, उसने जोड़ी बनाई, अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, बच्चे बद से बचाए। कल बहू शहर से घर आ रही है ना? जी अम्मी, कल इंशाल्लाह आ जाए। इंशाल्लाह, मैं जरा अनवर को देखूं। वाइफ के बेटे का साया नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, क्या करते हो? क्या हो गया है आपको? अपने भाई को प्यार कर रहे, क्या हुआ? छोटे बच्चों में जरासीम ज्यादा जल्दी एक्सचेंज हो जाते, मैं नहीं चाहता इसके जरासीम इसमें जाए। जाओ उधर खेलो। क्या पागल पर? आजो बेटे, यहाँ आ जाए, आजो मेरा बेटा। आजा। जी बेटा। जी। कब तक दूसरों के बाल खिलाती रहोगी, अपनी चीज अपनी होती है। मैंने सोचा है गुलशन के तेरे साथ ब्याह करके तेरे गुलशन में भी बाहर ले ही आऊं। मुझे नहीं चाहिए बाहर, मैं ऐसे ठीक हूँ। अब वो तो तू ठीक ठाक है ही, पर जो मैंने कहा वो भी गलत नहीं है कि अपनी चीज अपनी होती है। ठीक ही कहता है, अपनी चीज अपनी होती है। आखिर मैं कब तक अनवर को अपने सीने से लगा के रखूंगा? क्या एक तवाइफ का बेटा आपके इज्जत और खानदान के विकार की हिफाजत कर सकेगा? फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। फैसला करने का हक सिर्फ उसे हासिल है जो मुनसिफ हो। तुम मुनसिफ नहीं, मुजरिम। तुमने अपनी बीवी की जिंदगी बचाने की खातिर एक मासूम बच्चे को उसकी माँ की गोद से छीन कर अपनी बीवी की गोद में डाल दिया, और अब उस बच्चे से तुम सिर्फ इसलिए पीछा छुड़ाना चाहते हो कि तुम खुद एक बच्चे के बाप बन चुके हो। क्या ये जुल्म और नाइंसाफी नहीं है? ये जुल्म नहीं, मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं, खुदगर्जी। उस बच्चे की जिंदगी और उसका मुस्तकबिल तुम्हारी हर मजबूरी से ज्यादा होंगे। नहीं वकील साहब, कानून की तरह गैरत भी अंधी होती है जो अपने जब में आने वाले को नहीं देखती। ये अदालत सिर्फ उस दो साल के बच्चे की तरफ देख रही है जिसका माजी कुछ नहीं, मेरे खानदान की तरफ क्यों नहीं देखती, जिसकी इज्जत और विकार की खातिर मेरे बुजुर्गों ने माजी के एक एक लम्हे को अपने खून और मेदा से सजाया। तुमने अपनी गैरत को उस वक्त आवाज क्यों नहीं दी जब तुम्हारी बीवी मौत की दहलीज पर खड़ी थी? उस वक्त उस बच्चे को अपनी बीवी का इलाज समझने वाले अकबर अली, आज वो बच्चा तुम्हारी इज्जत के लिए जहर कैसे बन गया? मरीज मौत की दहलीज पर खड़ा हो तो वो दवा भी जिंदगी बचा लेती है जिसमें जहर शामिल हो।
उस वक्त दवा में मिली हुई शराब भी हलाल हो जाती है वकील साहब, लेकिन जब मरीज ठीक हो जाता है तो आप उस दवा को इसलिए बंद कर देते हैं कि उस वक्त मरीज को दवा की जरूरत नहीं होती। इसे दुनिया का कोई कानून मरीज की खुदगर्जी नहीं कह सकता। मैंने भी इस बच्चे को अपनी बीवी की दवा ही समझकर उसे दिया था, लेकिन जब खुदा ने मुझे एक बच्चे से नवाजा तो मैं अपने आप को इस बात में हक बजानिब समझता हूं कि मैं उस जहरीली दवा को उठाकर फेंक दूं, इसलिए कि मैं डरता हूं उस जहरीली दवा से मेरा अपना बच्चा हलाक ना हो जाए। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी बचाने का हक है और दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरे इस हक को नहीं छीन सकती। तुम्हें यह हक सिर्फ इसलिए हासिल है कि तुम उस कमजोर बच्चे के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। याद रखो अकबर अली, देव की तरह ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत को देव की तरह इस्तेमाल करना जुल्म है। तुम्हारे इस फैसले से अगर अनवर का मुस्तकबिल तबाह हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात नहीं, मुंसिफ बनकर फैसला करो। उस दो साल के बच्चे की तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसकी बर्बादी का जिम्मेदार? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या बात है? कुछ आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं जरीना, कल मुझे मुकदमे का फैसला करना है, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ कानून है और एक तरफ एक मासूम जिंदगी। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। आप ही तो कहा करते हैं कि इंसाफ हर चीज से बालातर है। जो इंसाफ कहता है वो ही कीजिए। तुम ठीक कहती हो तरीना, मैं वही करूंगा जो इंसाफ कहता है। मैं इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। तो खामखा परेशान हो रहे हैं। आप ही तो कहा करते हैं कि इंसाफ हर चीज से बालातर है। जो इंसाफ कहता है वो ही कीजिए। अंदर चले हैं, घर का कोना कोना ढूंढा मगर वो नहीं मिले। जाओ जाकर नौकरों से कहो तलाश करें, शायद वो सड़क पे ना निकल गया। जी बहुत अच्छा। या अल्लाह, मेरा अंदर कहां चला गया? यतीम खाने का मैनेजर कौन है? जी मैं इस मैनेजर खाने का यतीम हूँ। वैसे आपको क्या लगता हूँ, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे इस बच्चे को दाखिल कराना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप ही का बच्चा है? ये मेरे मुलाजिम का बच्चा है। बहुत पहले इसकी माँ मर गई थी और आज इसका बाप भी मर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह,
यहाँ बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं दी जाती? जी नहीं, बड़े आराम से रखा जाता है। अगर आपको यकीन हो तो खुद ही दो चार दिन रहकर देख लीजिए, बड़ा मजा आएगा। रखो मत, बच्चे की बात करो। अच्छा जी, आप इसे यहाँ दाखिल करवा दीजिए, घर की तरह रहेगा, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका नाम? अनवर। अनवर। और वल्दियत? मेरा मतलब बाप का नाम। आपका नाम क्या बताऊं? वैसे कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, ऐसा होता ही रहता है। वालिद के खाने में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, लेकिन इसकी फीस अलग होगी, माफ करना। ठीक है, ये लीजिए बच्चे का खर्चा। अल्लाह आपको जजाय खैर दे। अगर आप मेरी माने ना तो अपने बच्चों को भी यहाँ दाखिल करवा दीजिए, घर जैसा आराम मिलेगा, उम्दा सर्विस और मंजी बिस्तर, मुफ्त खाने पीने का खास इंतजाम। यू कीप क्वाइट। लीजिए। मैंने कहा वो फोटो के लिए 2 रुपए तो देते जाइए। माशाल्लाह बड़ा लकी बच्चा है, आते ही 500 रुपए की बोनी करा दी, मैं कुर्बान जाऊं। उधर कहीं होगा वहीं, कहीं कोई जालिम उसे उठा कर ना ले गया हो। नहीं भाई, कौन उठा के ले जा सकता है, तलाश कर लो उसे। अगर नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो। ओके, फोन कर दो। खुदा के लिए मेरे लाल को ढूंढ लाइए, वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या मुसीबत है, खाता क्यों नहीं, मेरी भी नींद हराम करती। मुसीबत करती नादा मर गया, मेरे लिए मुसीबत है। Nani
साल हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक सब नहीं आया, समझ लो कि अनवर मर गया। ऐसा न कहिए, मुझे उसके मिलने की आस तो है। कभी कभी उसके मुन्ने मुन्ने कदमों की चाह मुझे अपने करीब ही सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो अभी आके मेरे सीने से लग जाएगा। मेरा नाम अनवर है और ये अहमद है। क्या तुम आज ही यतीम होने आए हो? क्या हमारी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं, माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था। क्या तुमने अपनी माँ को देखा है? अभी थोड़े दिन हुए उन्हें मरे हुए। क्या तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी? अपनी माँ की और बातें सुनाओ ना। बातें ही करते रहे तो भीख मांगने कौन जाएगा? शाम को खाली हाथ लौटे तो मुझे ही जान से मार डालेंगे। चलो, भीख भी मांगनी है और जलसे की तैयारी भी करनी है। जलसा किस बात का है? अरे जलसा हर साल होता है, एक बड़ी बेगम साहब आती हैं और यतीम खाने वालों को 150 रुपया दे जाती हैं। यतीम खाने वाले इस रुपए का क्या करते हैं? खा जाते हैं और क्या कहते हैं। चलो अहमद। अरे क्या हुआ? वो दर्द फिर उठाया अंदर। दर्द? तुम वापिस चले जाओ अहमद, आराम करो। वापिस चला गया तो मुझे मार डालेंगे। परसों जलसे में बड़ी बेगम साहब आएंगी, तुम्हारे इलाज के लिए उनसे पैसे मांगूंगा। बड़ी बेगम साहिबा को यतीम खाने की बहुत इमदाद फरमाती थी। इमदाद आपको अब भी मिलती रहेगी, लेकिन मैं आपके सालाना जलसे में अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकता। हमारी खातिर न सही, यतीम बच्चों की खातिर तशरीफ ले आइए। बच्चे प्रोग्राम पेश करेंगे, उन्हें खुशी होगी कि उनका प्रोग्राम इंसाफ का बोल बाला करने वाली शख्सियत देख रही है। चले जाइए ना, वो इतना इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर बच्चों को मेरे आने से खुशी होगी तो मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी तशरीफ लाइएगा बेगम साहिबा। जरूर। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। और
क्या हुआ इसे? ये बड़ा सख्त बीमार है बेगम साहिबा। ओहो, क्या तकलीफ है बेटा इसे? इसके सीने में हर वक्त दर्द रहता है, तकलीफ में कई कई घंटे बेहोश रहता है। आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया? जी नहीं, मैं खुद इसका इलाज करता हूँ। मेरे पास तो कई खानदानी मुजरबात व नुस्खा जात है जो पुश्त दर पुश्त और सीना ब सीना चले आ रहे हैं। रहने दीजिए आप अपने इलाज को, आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। ये किसी डॉक्टर साहब को नहीं दिखाएंगे बेगम साहिबा। बेटा ये पैसे आप अपने पास रखिए और खुद जाके इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। बहुत अच्छा बेगम साहब। ये मेरे और इनकी तरफ से 5,000 रुपए का हदिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं चाहता हूँ इस रकम से इनकी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया जाए ताकि ये बड़े होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। बहुत बेहतर। और इनकी तालीम का खर्चा माहाना आपको मिलता है। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। आओ ज़रीना। खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम। तुम फिक्र ना करो अहमद, मैं तुम्हारा इन पैसों से इलाज करवाऊंगा। इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो जाऊंगा नंबर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, वरना चुड़ैल तुझे खा जाएगी। लाओ बरखुरदार, पैसे निकालो। मैं ये पैसे आपको हरगिज नहीं दूंगा। मैं इन पैसों से अहमद का इलाज करवाऊंगा। अबे क्यों पैसे जाया करने लगे हो? कह तो दिया ये नहीं बचेगा, लाओ पैसे। मैं नहीं दूंगा, मैंने कह दिया ना मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? पैसे नहीं देगा। बोलो पैसे नहीं देगा? देगा नहीं देगा? जा पैसे दो। पैसे नहीं देगा। मुंशी जी ठीक ही कहते हैं अनवर, अब मैं नहीं बचूंगा अहमद। मगर मैं यहाँ नहीं मरना चाहता अनवर, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, दूर ले चलो। चलो आओ चलें। सीने में बहुत जोर के दर्द हो रहा है और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा और खाना लेकर आता हूँ। दवा और खाना? मगर तुम्हारे पास दवा और खाना के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं ले आऊंगा, तुम यही रहना। नहीं अंदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे। नहीं अहमद, आज तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, तो आज क्यों हो, मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करूंगा। जिद ना करो अहमद, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें मेरी कसम, तुम यही ठहरना, मैं अभी आया। अच्छा जाओ अनवर, जल्दी आ जाना।
अच्छा अहमद, खुदा हाफिज, जल्दी आ जाना अनवर। मेरा दोस्त बीमार है, मुझे उसकी दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर पैसे ना मिले तो मेरा दोस्त मर जाएगा। बड़ा पुराना बहाना बेटे, भीख मांगने के बजाय मजबूरी करो। जाओ बेटे जाओ, हवा ने जाओ। आ जाओ अनवर, अब मुझसे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा। बेटे मैं बर्बाद हो गया, शहर में किसी ने मुझे लूट लिया। कुछ बताइए तो सही। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन रहन रखकर बैंक से कर्ज लिया था, मेरी जेब किसी ने काट दी। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी बेटे, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी?
मेरी बेटी सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहेगी, तो उसका जहेज बनेगा, तो उसकी डोली उठेगी। मेरी बेटी सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहेगी। बाबा जी, हो सकता है आपके नोट कहीं गिर पड़े हों। चलिए हम चलकर ढूंढते हैं। नहीं बेटे, खोई हुई रकम भी कभी मिली है? मैं अब किस मुंह से घर जाऊंगा? मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। बाबा जी, ये पैसे तुम्हारे? पैसे? हाँ, ये पैसे मेरे। तुम्हें कहाँ से मिले? ये मुझे बैंक के पास पड़े मिले। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी, तुमने अपनी ही जैसी एक लड़की को बर्बाद होने से बचा लिया, एक बूढ़े बाप को मरने से बचा लिया। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी, खुदा तुम्हें खुश रखे। अरे तुम अपने बाप के साथ नहीं गए? मेरा बाप मर चुका है, मैं यतीम हूँ। ओ, तुम यतीम खाने में रहते हो? अब तो वो भी ठिकाना छिन गया है। सोते कहाँ हो? जहाँ नींद आ जाए। रहते कहाँ हो तुम? जहाँ पांव थक जाए। तुम मेरे भाई बनकर मेरे साथ रहोगे? कहाँ? जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपकी तकलीफ से नहीं डरता बाजी, कहीं मेरी वजह से आपको तकलीफ ना हो। अरे बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम चलो तो सही। कहीं आपके अम्मी अब्बा नाराज ना हो। ओहो, मेरे अब्बा तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। आ जाओ, शो कर दो बेटे। तीन बादशाह। तुम हार गए मुन्ने, ये देखो तीन बेग में। बादशाह भैया मैं जीत गया हूँ, तीन बादशाह। बादशाह बड़े होते हैं बेगमों से। पहले होते थे, अब नहीं होते। वो क्यों? वो यूँ कि अब एक एक औरत के पीछे दस दस मर्द हाथ बांध कर चलते हैं। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट कह कर उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया है और खुद सबसे पीछे रह गए। पिछले जमाने में औरत तो औरत, उसकी परछाई नजर नहीं आती थी, और अब ये आलम है कि इश्तहार किसी चीज का भी हो, तस्वीर औरत ही की छपती। हाँ, ये तो है। ये है तो फिर ये भी है। जाओ बेटे आराम करने दो, और अब किसे अगर अम्मा का जेवर बेचना तो सीधे इधर आना। भैया एक पांच रुपया किराए के तो दे दो। चल बे। माशरे आज तेरा लकी डे है, सुबह सुबह 800 की बचत। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसे मैं लाई हूँ बाबा, अब ये यही रहेगा। जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। अब सियानी हुई है हमारी बिटिया, दो ढाई हजार रुपए का माल घर में ले आई है। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा, इसे तो मैं भाई बनाकर लाई हूँ। भाई बनाया है ना, लोग तो मतलब निकालने के लिए बाप को सेल कर देते हैं। आज ही इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। नहीं बाबा, ये नहीं जाएगा। तो अच्छी बीवी हर तरह उनका साथ दिया करती है, सवाल नहीं किया करती। आसिया, वाशिया जी आ गए हैं, अब इनसे बात कर लो। कहिए क्या बात है जनाब? मैंने इन लोगों से जुआ खेला था और 3000 रुपए हार गया था, इसलिए अपनी बीवी को ले आया। 3000 रुपए देकर अपनी बीवी को वापस ले जाऊंगा। अच्छा किया आप इन्हें शुरफा में ले आए। ये मेरी छठी बीवी है जो मेरी गैरत पर कुर्बान हो रही है। शादी हुए सिर्फ 2 महीने हुए। 2 महीने? इतनी देर लगा दी गैरत खाने में? मैं तो इस बात का कह लूँ साहब, गैरत मर्दों का जेवर है। एक बीवी तो क्या, 10000 बीवी गैरत पर कुर्बान की जा सकती हैं। मैं जरा से कर्जे के लिए किसी के सामने अपनी मूछ नीची क्यों करूँ? मूछों का साइज जरा छोटा है, इन्हें बढ़ा लो, और फिर बोस्की की कमीज और बोस्की की शलवार पहनकर ऊपर से तराकुली टोपी पहन लो, दूर से ही गैरतमंद नजर आने लगोगे। घर पर सब चीजें मौजूद है साहब, भूखा नंगा नहीं हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। 2 हफ्ते तक 3000 रुपए देकर इसे ले गया तो ठीक है, वरना ये आपकी हुई। खुदा हाफिज। खुदा के लिए मुझे इन भेड़ियों के पास छोड़ के ना जाइए, ये मेरी इज्जत भी लूट लेंगे और आपकी गैरत का खून भी कर देंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। मिस्टर मुआशरा, ये मेरी बीवी है, कोई गिरी पड़ी औरत नहीं जिसे तुम बेआबरू करो। बात सिर्फ 3000 रुपए की है ना? तीन हजार, सिर्फ 3000? तुम चुप रहो आसिया, मुझे इस भेड़िए से बात करने दो।
जो तुम्हें ललचाई हुई नजर से देख रहा है। यार तुम तो वाकई गैरत खा गए। बात गैरत की नहीं, असूल की है। तुम मुझे 500 रुपया दे दो, मैं इसे तलाक दे देता हूँ और इसके बाद तुम्हारा पूरा पूरा हक हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, इसके बाद लोग मुझ पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। मेरा नाम भेड़िया नहीं, मुआशरा है। अब इन आंसुओं को पी जाओ बेबी, अब तुम मुआशरे की पधाने हो। और मुआशरा खूबसूरत लड़कियों की आंखों में आंसू नहीं, होठों पे मुस्कुराहटें देखने का आदि है। ओए माली जी। साहब जी, तुमसे एक ख्वाब की तबीर देख पूछनी थी। ख्वाब की ताबीर मुझसे? हाँ। अच्छा तो ख्वाब क्या था? रात मैंने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा महल है। महल है? उसमें तुम और गुलशन दो में टहल रहे हो। अच्छा अच्छा, वो महल हमारा था? नहीं, किराए का था। तो उसके अंदर एक हौज भी है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। उसके किनारे पे मैं बैठा हुआ एक गाना गा रहा हूँ। गाना क्या था? गाना था, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने देखी मजल ये अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदो बदी। बस ये गाना गाने की देर थी कि एक जोर से जलजला आया और जमीन पाट गई। तुम उसके विद और गिची तुम्हारी बार और तुम्हारे होठों पे ये अल्फाज कि लौ में लगी गई। बस अस्थाई पूरी नहीं हुई थी कि तुम पूरे दफन हो गए। तुम्हारी लड़की पास खड़ी हुई थी, रोने लगी, चीखने लगी और कहने लगी, वे बाबला वे टुट पैने वे गर्क जाने वे कंजरा, मेरा ब्याह होए बगैर ही मैनू छड़ के फौत हो गए। तो ये सुनने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अच्छा, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी तू रो ना। कहा बेटी? नहीं पता नहीं क्या था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि तू रो ना, तेरा ब्याह मैं खुद करूंगा। इतने में क्या देखता हूँ कि फिजा से मेहंदी गिरनी शुरू हुई, टेढ़ियां पुड़ियां। अच्छा? वो मैंने उठा उठा के उसके हाथ पे मलने शुरू की और हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, यहाँ तक कि हमारी सांसें टकराने लगी। फिर आगे क्या हुआ? बस आगे मत पूछ, सेंसर हो जाएगा। अमजद बेटे। चलो बेटा, हम तुम्हारा बैट ले आए। थैंक यू डैडी। आइए डैडी, हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपको क्लीन बोल्ड कर दूंगा। तू मुझे क्लीन बोल्ड कर? आइए बेटे, मुझे तो पहले ही तेरी माँ ने कैच कर लिया है। अम्मी ने आपको कैच कर लिया? वो कैसे डैडी? अमजद बेटे जाओ, तुम जाके बाहर खेलो। लो जाओ। आप भी हद करते हैं, आप अमजद को बिगाड़ देंगे। वो कैसे? उसकी हर जिद जो पूरी करते हैं, इतना लाड अच्छा नहीं होता, समझे हुजूर? जनाब वो मेरी औलाद है, मेरी मर्जी में जितना लाड करूं, आपको कोई एतराज? मुझे सिर्फ ये एतराज है कि वो जिद्दी ना हो जाए और जिस दिन उसने मुझसे जिद की मार खाएगा। ओहो जनाब, चेपिद्दी का शोरबा, उसके बाप ने आपसे कभी जीतने की, वो तो क्या। चलिए हटिए, चलिए पार्टी पे देर हो रही है। चले इधर, इधर। तुम वाकई बदनसीब हो के बार बार लुटी हो। तुम्हारा प्यार लुटा, तुम्हारा एतमाद लुटा और अब तुम्हारा सुहाग भी लुट गया। तुमने घर से भागकर गलती की थी। घर से भागी हुई लड़कियां इसी तरह तबाह होती हैं, इसी तरह लुटती हैं। तुम भी तो मेरी तरह मजबूर लगती हो गोरी। तुम्हें यहाँ कौन लाया था? तुम्हें तुम्हारा शौहर छोड़ गया और मुझे मेरे बाप ने इस गंदगी में फेंका है। बाप ने? कैसी अजीब बात है गोरी, वो औरत जो बाप भाई और शौहर की गैरत की कसम खाती है, वो इन्हीं बेगैरतों के हाथों बिक जाती है। शुक्र है दादा, तुम जेल से वापस तो आए। जेल तो हमारा घर है मुआशरे, वहाँ भला हमें क्या तकलीफ हो सकती थी। तू सुना, धंधा तो ठीक रहा? ऐसा वैसा, तुम्हारे जाते ही मैं एक्शन में आ गया। फिर जो यहाँ रौनक मेला लगा है, वो तुम्हारे सामने भी कभी नहीं लगा था। अगर किसी तरह तुम्हारी सजा 2-4 साल और बढ़ जाती तो यहाँ और भी ज्यादा रौनक होती। क्या बकता? बकता नहीं, अर्ज करता हूँ। मैंने इन बच्चों के वालदैन को इनकी तालीम और परवरिश के खर्चे से आजाद करके इन्हें यहाँ कैद कर लिया है। परसों ये थोक के भाव में निकल जाएंगे। और
ये फिक्स डिपॉजिट है, 10 साल बाद रकम दुगनी हो जाएगी। ये बच्चियां स्कूल के बाहर माशरे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, मैं इन्हें प्यार से यहाँ ले आया। बहुत खूब माशरे, वाह भाई वाह। और ये है करंट अकाउंट, जब चाहो कैश करा लो। माशरा तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेकार नहीं बैठा दादा, ला तादाद लड़कियां अगवा करके फरोख कर दी, बेशुमार बच्चे चुकवा कर बेच दिए, और चरस और अफीम का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बाजी, क्या ये आज करके आए हैं? अरे नहीं, ये तो जेल से आए हैं। अच्छा, जब मैं यतीम खाने में था ना, तब मैंने कैसे हाजी साहब को आते देखा था। ओ, ये लाजवाब पिस्तू ने इधर कहाँ छुपा रखा है? दादा इसे पहचाने नहीं, ये है गोरी मेरी बेटी, जब तुम दौरे पे गए थे ना तो ये इतनी सी थी। 8 साल में काफी बड़ी हो गई। और नाचना भी सीख लिया है, ये सड़कों पे नाचती है और बच्चे जेबें काटती हैं। ये कौन है? इसे कारतूस कहते हैं, ये जिस दिन भी चलेगा निशाने पे बैठेगा। अच्छा, तो फिर तुम वो सारे कर्तव्य इसको सिखा दो जो तुम्हें आते हैं। ये 303 की गोली कौन है? इसे आसिया कहते हैं, ये तुम्हारी खिदमत के लिए रोक ली थी, वरना कब की ढाल चुका होता। कैसी है? अच्छी है, डरती है, थोड़े दिनों तक ठीक हो जाएगी। ठीक, बुरी बात ना बेटे, बड़ों को टोका नहीं करते, बुरी बात। अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ बाबूजी, अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ बाबूजी, अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ बाबूजी। अबे ये तू बोल कैसे रहा? ये तुम्हारा स्कूल है, दादा जहाँ बैठता है वो कॉलेज है, और इस तहखाने के ऊपर यूनिवर्सिटी है। तुम यहाँ पढ़ाते हो क्या? हाँ बेटे, ऐसा सबक पढ़ाता हूँ कि सारी जिंदगी याद रहता है। ये लो तुम्हारा जेब काटने का पहला सबक। मैं जेब नहीं काटूंगा, ये बुरा काम है। बेवकूफ कहीं के, ये बुरा काम कैसे हुआ? बाहर निकल कर देखो, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई मिर्चों में पिसी हुई ईंटें मिला रहा है, कोई आटे में बुरादा मिला रहा है। बुरा काम तो वो हुआ बेटे, ये बुरा काम नहीं है, ये तो आर्ट है। दुकानदार दिखाता कुछ है, बेचता कुछ है, ये मुनाफा खोर कौम को लूट रहे हैं, हम इनकी जेबें काट लेते हैं। और देखो, हम इनकी जेबें उस वक्त तक काटते रहेंगे जब तक ये बेईमानी नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये सब लोग नेक हो गए तो? हाँ, तो फिर हम ये काम छोड़ देंगे और दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि चलो भाई हमारी मेहनत रंग लाई और कौम के भटके हुए लोग सीधे रास्ते पर आ गए। चलो बेटे, अब इन लुटेरों के खिलाफ कैंची चलाना सीख लो। Thank you.
पड़ गए मोर, मचाया मैंने शोर, लोगो पकड़ो वो लेके मेरा दिल गया है, चोर 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 मचाया मैंने शोर। खुदा आपका भला करे। अल्लाह सुनिए, आप क्या बात? बहुत पुरानी बात है जज साहब, शायद आपको याद भी ना हो, मगर अपनी जबान से लगाया हुआ वो जख्म मुझे आज तक याद है। मैं समझा नहीं। आपकी जरूरत देखकर मुझे दौलत का लालच पैदा हो गया था, वो लालच झूठ बनकर मेरी जुबान पर आ गया था, वही लालच आज मुझे दर दर की ठोकरें खिला रहा है, इस बुढ़ापे में मुझे जलील करा रहा है। क्या कह रही हो? आज से 8 साल पहले आपने अस्पताल में किसी दाई को 20,000 रुपए दिए थे। अच्छा, मैं समझा, वही दाई हो ना? हाँ, मैं वही बदनसीब दाई हूँ जिसने आपसे आपके खून का सपना किया था। वो बच्चा किसी तवायफ का नहीं था, वो बच्चा आपका अपना खून था, वो आपका अपना बच्चा था, वो आपका अपना बच्चा था शेर साहब। तुमसे झूठ बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे धोखा दिया, क्या किया था? मुझे जी, आपको याद होगा आज से 6 साल पहले मैं एक बच्चे को आपके पास छोड़कर गया था। 6 साल पहले? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। याद कीजिए मुझे जी, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। याद तो कई खूबसूरत बच्चे आकर बदसूरत हो जाते हैं। बहरहाल मैं आपको एल्बम दिखाता हूँ, शायद आप उसे पहचान लें। जी जी, आराम से देखिए। ये मुझे है जी। जी जी, इस बच्चे की आप बात करते हैं?
ओहो, ये तो मुद्दत हुई इस यतीम खाने से भाग गए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बहरहाल मैं आपको जब वो भागा था ना, उस वक्त की तस्वीर दिखाता हूँ। ये रही उसकी तस्वीर। क्या साहब ने आज भी खाना नहीं खाया? नहीं, चार दिन हो गए ना बेगम साहबा खाना खा रही हैं और ना साहब जी। खुदा जाने कौन सा गम लग गया है इन दोनों को। जिंदगी मिल जाएगी। हाँ जरी, हम दोनों को नई जिंदगी मिल जाएगी। हमारा बच्चा हमें मिल जाए तो उसके अगवा करने वाले को आप खुद फांसी पे लटका दीजिएगा, उसके टुकड़े कर दीजिएगा। नहीं जरीना, आपके सीने में मां का नहीं एक जज का दिल है। आपका दिल उसे माफ कर सकता है लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मर्तबा वो मेरे सामने आ जाए मैं उसे ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा कि वो जी जी कर मरेगा, मर मर के जिएगा। हमारा बच्चा हमें मिल जाए तो उसके अफवाह करने वाले को आप खुद फांसी पे लटका दीजिएगा। एक मर्तबा वो मेरे सामने आ जाए मैं उसे ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा कि वो जी जी कर मरेगा, मर मर के जिएगा। अब्बू, अनवर तुम कब आए बेटे? बेटे मेरे सीने से लग जाओ। मैं आपसे नाराज हूँ अब्बू। बेटे मैं जानता हूँ मैंने तुम पर जुल्म किया है, तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं मजबूर था। आप मजबूर थे और मैं बेबस था। यतीम खाने में अपनी अम्मी के लिए रोता तो वो लोग मुझे मारते थे, बीमार होता था तो वो दवा के बदले मुझे गालियाँ देते थे। बेटे बताइए अब्बू, आपने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? क्यों? हकीकत को सामने देखकर मुंह क्यों फेर दिया है? जवाब दीजिए ना अपने बेटे को। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों किया है? मेरा बाप जिंदा है
और मैं यतीमों की तरह जिंदगी गुजारता रहा अबू। मेरी माँ जिंदा है और मैं बिन माँ के बच्चों की तरह तरसता रहा अबू। जब बाप ही औलाद से नजरें फेर ले तो औलाद बाप के होते हुए भी यतीम बन जाती है। क्या कसूर किया था इस मासूम ने जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी है। बाप तो अपने औलाद की खातिर जान कुर्बान कर देते हैं, आपने अपने ही बेटे को अपनी नजरों से दूर कर दिया। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है बेटे, कुछ नहीं। तो फिर मुझे वो खुशी के लम्हे वापस कर दीजिए अब्बू जो आपने मुझसे छीने हैं। बेटे को खुशियाँ नहीं दे सकते तो मुझे मेरे वो आंसू लौटा दीजिए जो मैंने अपने बच्चे की याद में बहाए। मेरा सुकून मुझे वापस दे दीजिए जो आपके हाथों लूटा है। मेरे दामन में ना तो किसी की खुशियां हैं ना किसी का सुकून। मैं तो खुद खुशियों के लिए तरस रहा हूं, सुकून के लिए तड़प रहा हूं। अनवर बेटे तो मुझे जो मेरे जुर्म की चाहो सजा दे लो, लेकिन खुदा के लिए मेरे सीने से लगकर मुझे इस अजाब से हमेशा के लिए निजात दिला दो बेटे, हमेशा के लिए निजात दिला। आपके कहने के मुताबिक मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया, लेकिन एक बात नहीं समझ सका, जब आपको लाहौर में ही रहना है तो फिर होटल क्यों? मेरे ख्याल में मेरे यहां भी गालिबन इतनी जगह है कि आप ठहर सकें। लेकिन भाई एक बात तो है ना, तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी सहेली है, तुम्हारे यहां ठहरता हूं तो उसे इत्तला हो जाएगी, अपने यहां रहता हूं तो एक कोहरा मचता है। होटल में ठहरूंगा, इश्तिहार में वहीं का पता दूंगा। दुआ करो अगर बच्चा मिल गया तो घर चला जाऊंगा। बस ठीक है अब मैं चलता हूं। करीना जी, मैं एक जरूरी काम से रावलपिंडी जा रहा हूं। रावलपिंडी? हो सकता है मुझे एक हफ्ता लग जाए, ये भी हो सकता है ज्यादा दिन लग जाए, लेकिन तुम परेशान मत हो। तो क्या अभी जा रहे हैं? हाँ अभी एक दोस्त के साथ जाना है, और दुआ करो जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी हो। अगर ऐसा ही जरूरी काम है तो जरूर जाइए, खुदा आपको कामयाब करे। खुदा खुदा हाफिज़। बाबा यहाँ है? बाबा क्या हुआ मेरे बाबा को? पीते पीते सो गया। 8 साल में तो तू क्या निकलाई है गोरी? दादा तू सिर्फ जग्गू कह लिया कर, तेरे होटल से तो नाम ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, समझे? बड़ी तेज है लेकिन जग्गू तुझे राम कर ही लेगा। ये तुम्हारे हाथ में आएगी दादा, ये बादशाह से प्यार करती है। बादशाह से प्यार करती है? अच्छा से।
रोही। आने के बाद आया है बादशाह। अरे मजबूर न होता तो कब का तेरे पास आ गया था। तो फिर ये काम छोड़ दे बादशाह, जो हर बार तेरी मजबूरी बनकर तुझे मुझसे दूर कर देता है। ना गोरी ना, अपन को भूख से बहुत डर लगता। बस दिल कहीं का। अरे क्या बोलती है गोरी, तू क्या जाने भूख क्या चीज है। मैंने अपनी माँ को भूख से मरता देखा है, कई कई दिन भूखा रहा हूं। मैं जानता हूं भूखा रहना कितनी मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल बात है। बादशाह तू मुझे झोपड़े में रखकर जो रूखी सूखी रोटी देगा मैं ये समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया, मगर मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसकी वजह से तेरे चलने फिरने और बोलने का अंदाज तक बदल गया है। अरे मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूँ, दादा के यहाँ पहुंचते मेरा हर अंदाज बदल जाता है। अच्छी बड़ी बातें करते करते पट्टी से उतर जाता हूँ। खैर छोड़न बातों, ये बताओ तुम तो ठीक ठाक हो ना। बस हर वक्त तेरे ही ख्याल रहता था। माँ कसम। फिर वही माँ कसम। गलती हो गई। दरअसल बात यह है गोरी, माँ और बहन मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। माँ थी बेचारी वो गुर्बत ने छीन ली, और बहन किस्मत में थी ही नहीं। अगर तू अच्छा बन जाए तो माँ की रूह को सुकून मिल जाएगा। अच्छा कैसे बन जाऊं गोरी, अब ये हालात मेरे पांव की जंजीर बन चुके हैं। मैं शराफत के रास्ते पे दबे पांव चलना भी चाहूं तो इस जंजीर की आवाज दादा के कानों तक पहुंच जाएगी, और वो फिर मुझे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगा। मैं तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बादशाह गोरी।
ये तुम्हारा लेटर। मेरा खत? खुद पढ़ के बता बेटे। और चाचा तुम्हारा स्यापा बड़ा है, एक तो लेटर ला के दो तो पढ़ के भी सुनाओ। अरे बेटे पढ़ के बाद मुझे कहाँ पढ़ना आता बेटे, जल्दी पढ़ कहाँ से आया, किसने भेजा? ये लिखा हुआ है हज तरफ खुदा बख्शे मकान नंबर 4 केले वाली सड़क चौक पूनपुरा डाखाना तहसील खास लिबिया। इसका मतलब मेरे भतीजे खुदा बख्श ने भेजा है। हाँ। क्या लिखा बेटे आगे? प्यारे चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो चाहता है कि तुम्हारा गला कोंट दूं मगर मजबूर हूँ, फासला बहुत ज्यादा है। अब तुम सुन लो कि मैं यहाँ शादी कर चुका हूँ और अब मैं तुम जैसे फक्कड़ की ती से शादी नहीं करना चाहता, लिहाजा तुम जहाँ चाहो अपनी ती को डोब दो। ये उस कमीने ने लिखा? तो और क्या चाचा, मैं बकवास कर रहा हूँ, ये लो किसी और से पढ़वा लो, चलो। ये उसने लिखा? खुदा बख्शे ए दुखी की तकबीर। हौसला कर चाचा, रो ना, हौसला कर चाचा। चाचा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ऐसा करो तुम जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के ना तो अपनी ती के हाथ पीले कर दो, तुमको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। मैं तुझसे पैसे ले लूं? हाँ चाचा, जहेज क्राकरी फर्नीचर वगैरह आटा दाने के लिए तो तुम्हें पता है कि पैसे की जरूरत होती है, मैं दे दूंगा तुम। लेकिन बेटे एक बात है। क्या? बहुत दिन हुए तुझे याद नहीं आया, तूने मुझसे एक दफा कहा था कि मुझे अपनी फर्जंदी में ले लो, मुझे अपनी गुलशन का शौहर बना लो। चाचा मैंने बकवास की थी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, माफी क्या बात कर रहा है। अरे बेटे तूने सच कहा था, तूने सच कहा था, मुझे मंजूर है, तू शादी की तैयारी कर बेटे। चाचा कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, ऐसा क्यों करते हो चाचा, ऐसा क्यों करते हो? मेरे दिल से खेलने का तुम्हें क्या अधिकार? हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। इनका नगरी बेटे, जरा सी ठेस पहुंचेगी ये शीशा टूट जाएगा। इस शीशे को फ्रेम करा लो चाचा, मैंने गुलशन का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था चाचा, अब तुम कहते हो तो दोबारा उस ख्याल को ठोंसना पड़ेगा। लेकिन चाचा मेरे पास वक्त बहुत कम है, शादी करना चाहते हो तो जल्द कर दो, बल्कि आज ही कर दो। आज आ, आ, आज नहीं बेटे, आज नहीं, आज नहीं, ऐसा कर तू कुछ दिन ठहर जा, तू कुछ दिन ठहर जा बेटे, कुछ दिन ठहर जा, शादी जरूर तुझसे कर, आज नहीं बेटे, आज नहीं। ठहर जाता लेकिन वलीमे पे आपने भी आना है। सलाम दादा। आ बादशाह, तू कब आया? तुझे दिखता नहीं पड़ा, अभी आया हूँ, ये ले अपनी सलामी। पट्टे कहाँ गए? कहीं दादा का चक्कर तो नहीं दे रहा? लाया भी था? अरे मान की कसम दादा लाया था। ये ले दादा बट्टे। अरे यही दिन उड़ा के लाया था दादा। उड़ाए होंगे, कौन से तुम्हारे अपने थे जो इतना गम कर रहे हो? अरे दादा छोटी सी दुनिया कौन है? ये मुआशरे का नया शागिर्द है, इसका नाम अनवर है। अरे जबी साला तो चूना लगा दिया ईरान तक कि हमारे जेल जाने के बाद, अरे हमारा उस्ताद कौन हो सकता है? अब तो मुझे अपना उस्ताद मान लिया है ना। अरे नहीं या नहीं, काय को दिमाग खराब करता है ना उस्ताद भाई है, अपन को भी मुआशरे ने जेब काटा सिखाया दाड़े। सामने देखो, चुपके से अंदर जाकर पीछे से दरवाजा खोल दो। और अगर मैं पकड़ा गया तो हमारा नाम हरगिज ना लेना, अपने बाप की कोठी समझकर अंदर घुस जा। अच्छा अल्लाह मालिक है। लंबा ही माल मिलेगा।
कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही। पहले कितनी चोरियां की, सच सच बताना। आज पहली बार चोरी करने आया। किसने सिखाई है तुम्हें चोरी करना? माशरे ने। माशरे ने? मगर माशरा तो बुरे कामों से रोकता है, वो तुम्हें कैसे बुरा बना सकता है? माशरे को वही जानता है बेगम साहब, जिसका उसे वास्ता पड़ा। मुझे जेब काटना और चोरी करना उसी ने सिखाया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तुम? आपने मुझे यतीम खाने में देखा है, 200 रुपए भी दिए थे मेरे दोस्त के इलाज के लिए, जो अब मर चुका है। लेकिन ये तुम चोरी? खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। अगर तूने फिर चोरी की तो खुदा करे पुलिस मुझे उसी वक्त गोली मार दे। तुम चाहो तो संभल सकते हो, अच्छे बच्चे बन सकते हो। यकीन मानिए बेगम साहब, अब मैं जरूर अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, जरूर अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। देखो बेटे, मैं तुम पे एतबार करते हुए तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम आइंदा चोरी नहीं करोगे, समझे? अब तुम जा सकते हो। बड़ी बड़ी मेहरबानी बेगम साहब। अच्छा अब मैं जाऊं, खुदा हाफिज। साहब होते थे कभी ना छोड़ते। अरे नहीं गुलशन, अच्छा हुआ साहब घर पे नहीं है। अच्छा सुलूक किसी बुरे को भी अच्छा बना देता है। ये तस्वीर है, इसे इश्तिहार के साथ किसी मुनासिब जगह पर शाया करते। क्या सिर्फ एक इंसर्शन आएगी? नहीं, इसे मेरे ख्याल से आप 15-20 दिन रोज देते रहे, हो सकता है किसी की नजर पड़ जाए और वो मेरे बच्चे को मुझे मिला दे। मजदूरी क्यों नहीं करने देते? ये डा हमारा है, यहाँ हमारे अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। ना ये सड़क तुम्हारी है और ना ये कारें, फिर तुम्हें किसी को मजदूरी करने से रोकने का क्या हक पहुँचता है? तुम मुझे यहाँ काम करने से नहीं रोक सकते। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। सुनो बेटे, तुम हमारे घर चलो, वहीं चलकर रहना। जी हाँ, तुम हमारी गाड़ी साफ क्या करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। नहीं भाई, वो तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हें वहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें स्कूल में दाखिल करा देंगे, खूब जी लगा कर पढ़ना। जी मैं आपको कल बताऊंगा। कल आना जरूर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जरूर आऊंगा। तो दुल्हन बन के मेरे घर आएगी, हमारी एक छोटी सी दुनिया होगी, और फिर उस दुनिया को हम अपने प्यार के सहारे जन्नत बना देंगे, है ना गोरी? हाँ बादशाह, हम अपने घर को खूब सजा कर रखेंगे। तुम्हारे सारे काम मैं खुद किया करूंगी। जब शाम को तुम घर वापस आओगे तो मुझे अपने इंतजार में दरवाजे पे खड़ा पाओगे। लेकिन शादी के बाद तुम घर देर से नहीं आओगे, वक्त पर खाना खाना पड़ेगा, वक्त पर सोना पड़ेगा, समझे? वक्त पे खाने वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वक्त पे सोने वाली बात जरा गलत है। वो क्यों? अपने बच्चों के मुतालिक बातें क्या करेंगे? चल शरीर कहेंगे। गौरी दुआ करो वो दिन जल्द आ जाए जब हमें हमारे ख्वाबों के ताबीज मिल जाए। खुदा करे।
लेकिन एक बात तो बताओ बादशाह, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे इसी तरह चाहोगे? चल पगली कहेंगी, शादी के बाद तो क्या, बनने के बाद भी चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सच। तुझको सदा मैं चाहूंगा, तू मेरा प्यार है, तुझको सदा मैं चाहूंगा। रही हयात तू अपना तुझे बनाऊंगा, तू मेरा प्यार है। अगर ना कुफर हो कह दूं मेरा खुदा तू है, अगर ना कुफर हो कह दूं मेरा खुदा तू है। मैं एक साज हूँ और साज की सदा तू है, बिछड़ के तुझसे बता दे कहाँ मैं जाऊँगा। रही हयात तो अपना तुझे बनाऊंगा, तू मेरा प्यार है। तेरी शरबते आँखें ये रेशमी जुल्फें, ये तेरी शरबते आँखें ये रेशमी जुल्फें, ये मेरे सीने में उलझी हुई तेरी सांसें, न जाने कब तुझे खुल के गले लगाऊंगा। रही हयात तो अपना तुझे बनाऊंगा, तू मेरा प्यार है। मेरी तड़प का जो एहसास तुझको हो जाए, मेरी तड़प का जो एहसास तुझको हो जाए, मेरी तरह से तेरे दिल का चैन खो जाए। मैं आज जज्बाए दिल अपना आजमाऊंगा, रही हयात तो अपना तुझे बनाऊंगा, तू मेरा प्यार है, तुझको सदा मैं चाहूंगा। रही हयात तो अपना तुझे बनाऊंगा, तू मेरा प्यार है। सुने क्या बात है? नहीं बात है भैया, बात जरा प्राइवेट है।
अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुम दोनों बहन भाई प्राइवेट बात करो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अब बताओ मैंने मैंने चोरी ना करने का वादा किया था ना, वो आज मुझे सड़क पर मिल गई थी। अच्छा तो फिर मैंने मुझे अपने घर बुलाया है, कह रही थी मुझे स्कूल में भी दाखिल करवाएंगी और बिल्कुल अपने बेटों की तरह रखेंगी। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है अनवर, तो फिर जाओ, सोच क्या रहे हो, कहीं कोई फड्डा ना हो जाए। उफ़ो, भाई कैसा फड्डा, बाजी जो साली अपनी किस्मत है ना घासेट पी गई, जहाँ जाए तुम जिधर जाता हूँ कोई ना कोई फड्डा आ जाता और मुझे वहाँ से भागना पड़ता। तुम जाओ तो सही, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसे रखने की बात है तो फिर यही सही। अल्लाह मालिक। ये लो 2000 रुपए। बड़ी मेहरबानी बेगम साहब जी, हमारी तरफ से गुलशन के लिए कुछ चीज खरीद। बेगम साहब जी, निकाह जुमे को है क्या? जी जी, इस जुम्मे को निकाह जी बेगम साहब। अच्छा, अल्लाह मुबारक। मुबारक जी। सलाम बीबी जी। सलाम बेगम साहब। जी तेरा, तुम आ गए। बेगम साहब का हुक्म था, कैसे ना आता। देखो बेटा, आज से तुम मुझे अम्मी कहा करो। जी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। अनवर, तुम आ गए, तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। अम्मी मैं से अपने आधे खिलौने दे दूं? जरूर दे दूं बेटा। आओ अनवर, भाई खेलते हैं। मेरा अनवर भी तो अब इतना ही बड़ा हो गया होगा। ना रो बेटे, इसकी हर तरह दिलजोई करना, इस पर ज्यादा बोझ न डालना किसी भी काम का, बड़ी नाजों की बाजी है मेरी बच्ची। चाचा, मैंने इस पर लेंटर तो नहीं डालना है, और फिर मेरे घर में काम ही कौन सा है, एक ये होगी एक मैं हूँगा, जितना बोझ बर्दाश्त कर सकेगी उतना ही डालूंगा ना। बाबल दा बेड़ा छड़ के कंजरा तो दूर चली। तू इस कुड़ी नू नहीं ले जा सकता। क्यों, ये कुड़ी तेरी मां लगती? मां होगी तेरी, मेरी ये मंग है। ओए, मंग तेरे प्यो दी भी होवे, मेरी ये बीवी बन चुकी है। ओए, मैं तेनू छान नहीं कर देंगा। तू चुप कर भी जा, तू मेरे नाल गल कर ले, तू ऐसे चेहरे बन के किसना खलोता है? पुछ मेरे चाचा को, असि लिबिया तो इन्ना ना पैसा पे कर रहा। ओए माली, तू इस कुड़ी दे किरे किरे कोलो पैसे फड़े ने, मैनू लिस्ट बना के दे। चुप हो जा बेटे, खुदा बख्शा। खुदा बख्शा नहीं, तालीम को, समाज को, दरिंदा को, बेचन को, पहले की लाहौर को, मौत को, बल्कि मौत का गोला को। ओए भाईजान, खुदा के लिए मेरा घर न उजाड़े। और नहीं, ये तेरा घर उजाड़ के रहेगा, और ये तेरा घर इस तरह उजाड़ेगा जिस तरह सूर गन्ने उजाड़ते हैं। चला को नहीं, चुप कर रहे फत रफी अगेन। मैं तू चुप कर, मैं ला ले तेरे के बंद कर मेरे पास के चैनल। आहो नहीं, तू खामोश रहे, इस कमबख्त ने मुझे लीबिया से खत लिखा है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं अमीर आदमी हो क्यों? इसने खत लिखा है। चाचा, ऐसी खत मत कोई नहीं लिखा। लिखा है? कहाँ है वो खत? गुम हो गया? नहीं, गुम नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है? मैं अपनी जान के साथ आता हूँ, बिल्कुल, ताकि तुझे दिखा सकूँ। मेरा खत पड़ी से। चाचा, ये तेरे नाल किसी ने फ्रॉड किया, ये खाते इतों का, ये मैं लीबिया तू किस तरह भेज सकना? यहाँ का है, है? मुंशी, जवाब दे मुंशी। लाड़े बोल दे नहीं होते। दस, ये फ्रॉड तू किया? बाबा, खुदा बख्शा, खुदा के वास्ते अपनी बहन को लेके यहाँ से चला जा, वरना ये आदमी इन दोनों को बर्बाद कर देगा, ये घर उजाड़ दे गिरने चाहिए। चाचा, आज अपने कलेजे नु हाथ पे आई ते किसका चीखा पे मारने वे, मैं तेरी ये सीधा कर पर बात कर करवांगी, मैं ना प्यार करांगी, रोमांस करांगी, दास करांगी। चाचा भी तो नहीं मुन्नी, नहीं मुन्नी, नहीं, तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, औरत औरत का दुख जानती है, खुदा के लिए मेरा सुहाग मत छीनो।
पहना एक ही कह दिता है तू आज तो मेरी चाचे की धी पहन नहीं मेरी सखी पहन वीरा जिथे बंदा ना बंदे हो गए तलाश है गुमशुदा 30,000 रुपए इनाम एक लड़का जिसका नाम अनवर है अनवर कौमी यतीम खाने से गुम हो गया है वाह वाह क्या चीज गुम हुई है यतीम खाने से तलाश करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा तैयार रूम नंबर 17 होटल बीलू हैविन अरे चाचा तो रिश्ता में कोई काम का रिश्ता मिला या नहीं नहीं मगर 20,000 रुपए कैश मिलने की उम्मीद हो गई अरे क्या बोलता चाचा ये इश्तहार दे ये अपने अनवरी की तस्वीर नहीं जरा गौर से देख बीस हजार रुपए 50-50 जिंदगी में सिर्फ दो ही शौक है एक बिछड़ो को मिलाने का और दूसरा इज्जत से जिंदगी गुजारने का बस इसीलिए सोशल वर्कर बन गया हूं ताकि दोनों शौक पूरे हो जाए इस छोटी सी उम्र में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं बस साहब ये अच्छाई मेरे लिए खुद मुसीबत बन गई है गुमशुदा बच्चों को तलाश करने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं शहर शहर गांव गांव फिरना पड़ता है तलाश करने के लिए तब जाकर ये गुमशुदा बच्चे मिलते हैं हाँ ऐसे तो आपको काफी नुकसान होता होगा जी जी अब ऐसा करें ये पैसे अपने पास रख लें मैं आपके इनाम में से नहीं काटूं इसकी क्या जरूरत है आप कहते हैं तो रख लेता हूं जज साहब आप मुझे कैसे जानते सोशल वर्कर हूं ना साहब शहर के मुझ लोगों को जाना मेरा जाती फर्ज है पता नहीं किससे किस वक्त क्या काम पड़ जाए मुमकिन है मुझे कभी आपसे काम पड़ जाए अच्छा खुदा हाफिज अब तो मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे चोरी कर रहे हो चाचा नहीं नहीं बेटे टेस्टिंग 1-2-3 हेलो टेस्टिंग हलवा टेस्ट कर रहा हूँ कहूँ अम्मी से हाँ कह दो अम्मी से नहीं 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 बेटे मैं तो मुझे मरवाना है अम्मी को बता के एक बात तो बताओ तुम्हारा बाप CID में क्यों और तुम तो मेरे लिए 007 बन गए हो जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो गोटी खाने में जाके दूध की चुस्की लगाऊं तो तुम मौजूद फ्रिज में से हलवा निकाल के चखूं तो तुम मौजूद अमजद मियां के बिस्कुट खाऊं तो तुम मौजूद जब से तुम आए हो ना मेरा 1.5 मन वजन कम हो गया अच्छा चोरी करना बुरी बात है चाचा बड़ों को शर्मिंदा करना भी तो कोई चंगी बात नहीं ना होती और जा बाहर जाके सैर कर नहीं जाता चाचा चोर भतीजा काजी क्या बात है अनवर मियां हाँ मुझको कह रहा था चाचा चा डांस सिखा दे मुझको नहीं आता चाचा जा जा तंग ना कर जा कह दिया ना नहीं आता ये तुम्हारे हाथ में हलवे की प्लेट कैसी है अच्छी है तुमको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए और चोरी की तो उम्र यही होती है शर्म तो तुमको मगर नहीं आती कि अपने मजाजी खुदा पे इस किस्म का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुमको चलो अनवर मियां चलो थैंक यू बहुत अच्छा किया लगी माशरे माशरा तुम्हारे कदमों में है दादा हुक्म करो अनवर का कोई पता नहीं चला 20,000 भी जाते नजर आ रहे हैं और अड्डे को भी खतरा है वो कैसे उसका इस तरह गायब हो जाना हमारे लिए खतरा भी बन सकता है अगर वो पुलिस को लेकर आ गया तो पुलिस को लाने वाले इतनी देर नहीं लगाया करते और फिर अब तो उसे गए हुए कई दिन हो गए हैं अब तक तो वो यहाँ पुलिस स्टेशन शिफ्ट करा चुका होता अरे दादे आपका कोई पोता आया है मैंने शहर के चप्पे चप्पे पे जाल बिछा दिया है तू काय को फिक्र करता दादा अनवर साला कहीं नहीं जा सकता अनवर को ढूंढ कर लाओ बादशाह हाँ कीमत पर ढूंढ कर लाओ क्या बोलता दादा
सारा शहर अपनी पॉकेट में पॉकेट में। आज रात में अंदर को जरूर तलाश कर लूंगा। खुदा खुदा। तुम अंदर को ढूंढने जा रहे हो? हाँ। ना जाओ बादशाह ना जाओ, तुम चले गए तो उस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे क्या बात करती है गोरी, उस हालात पर को मिल जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, वो पैसा तेरे मेरे काम आएगा। नहीं चाहिए मुझे वो पैसा जो किसी को बर्बाद करके मिले। ये साला तुम का कारोबार है, तू इसमें दखल ना दिया गोरी। ये कैसा कारोबार है जो मासूम जिंदगियों को गुनाह के रास्ते पे डालता है, मजबूरों को जंजीरें पहनाता है और बेकसों पे खुदा का कहर बन के टूटता है। अपने इस घनौने कारोबार की खातिर अनवर को मत बेचो बादशाह, मत बेचो। अरे पैसा मेरी जरूरत है गोरी, कोई जरूरत के लिए अपनी प्रतिष्ठा है और कोई समीर के दाम चुकाता है। मैं अनवर को अपनी मजबूरी समझ के ढूंढूंगा और जरूरत पड़ेगी तो बेच दूंगा। तो फिर जरूर जाओ बादशाह, मगर जाने से पहले इतना बता दो, बाबा ने अपनी भूख मिटाने के लिए घुंघरू मेरे पैरों में बांधे थे, तुम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे जिस्म को कौन बेचोगे? क्या है मुंशी? बेसा जी वो कल्लू आया था अभी। कौन कल्लू? वो कल्लू कवाल नहीं जी, वो होता था ना जी बाबर्ची खाने में जिसे आप रोज डांटती थी। अच्छा, जिसे गुलशन ने घी पीते हुए पकड़ा था? जी जी वही वही वही। क्या कह रहा था जी? वो बता रहा था कि साहब ने उसके कमरे में होटल लिया हुआ है। क्या पागल कहीं का, वो तो एक जरूरी काम से पिंडी गए। नहीं नहीं नहीं, वो कमरा नंबर 17 में सेठ फयाज के नाम से ठहरे हुए हैं। कल्लू उनके कमरे की ड्यूटी देता है। सेठ फयाज के नाम से? तुमने फर्जी नाम से होटल में ठहरने की जरूरत क्या थी? ये बात तो मैंने भी सोची थी, मगर जैसा कल्लू ने मेरे सर की कसम खाई तो फिर मुझे मानना पड़ा। वैसे आप मालूम तो करें कि साहब से कोई आपकी नाराजगी तो नहीं? अरे नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं, आओ तुम मेरे साथ। हाँ जी बेसा जी, आप मुझे साथ ना ले जाए जी, वो साहब ने देख लिया तो नाराज होंगे जी, फिर मेरी नौकरी का आपको बता। अच्छा अच्छा, गुलशन गुलशन जी। बेगम साहब देखो मैं जरा बाहर जा रही हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, तुम्हें खाना खिला दे। जी बहुत अच्छा, चलो बाहर, मैं कमरा बंद करता हूँ। कमरे को बंद ही करना है ना, मैं यही हूँ, तुम अंदर से बंद कर दो। मुझे देख के चौंक क्यों पड़े? आखिर वो ऐसा कौन सा दुख है जो आपको घर से यहाँ तक ले आया है? जरीना, मुझसे कोई दुख पहुंचा था या घर से वैसे आने लगी थी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद अपनी आग में जल रहा हूँ, एक जुर्म का एहसास चैन नहीं लेने देता, एक गुनाह का ख्याल जीने नहीं देता। आपने कोई गलत फैसला तो नहीं सुना दिया? जरीना, मैं जज हूं और उस कानून पर अमल करता हूं जो गवाहों के सहारे चलता है। मैंने एक लालची औरत की झूठी गवाही पर यकीन करके आज से 6 साल पहले एक गलत फैसला किया था, एक बेगुनाह को सजा दी थी। अगर 6 साल बाद भी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उस बेगुनाह को कैद की सजा दी थी तो सरिया कराने की कोशिश कीजिए, और अगर उसे सजाए मौत दे दी है तो फिर उसके वारिसों से जाके माफी मांग लीजिए। तो क्या वो माँ मुझे माफ कर देगी जिसके बेटे को आज से 6 साल पहले मैंने उससे जुदा कर दिया था? शायद आपके लिए उसके दिल में खुदा रहम डाल दे। आप उसकी माँ से माफी मांग कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझे माफ कर दो जरीना, ये जुल्म मैंने तुम्हारे साथ किया। जी हाँ जरीना, मैं शौहर होते हुए तुम्हारा गुनहगार हूँ, बाप होते हुए अपने बेटे का मुजरिम हूँ। ये देखो जरीना, उस बेटे की तस्वीर जिसे उसके बाप ने खुद अपने हाथों से ठोकर रखी है। ये तो अनवर है, अनवर मेरा बेटा है। जल्दी चलिए, ये तो घर पर आपकी शफकत का इंतजार कर रहा है। क्या? हाँ अनवर घर पर है? चलिए ना अनवर।
जाए। अम्मी अम्मी, दो आदमी अनवर भैया को पकड़ कर ले गए। क्या कह रहे हो तुम? कौन थे? पता नहीं, मैं और अनवर भाई जब स्कूल से आ रहे थे तो अचानक दो आदमी आए और अनवर भाई को पकड़ के ले गए। या अल्लाह, कहाँ ले गए? चलो मुझे जगह बता। या अल्लाह। अरे दादा, ढूंढ लाया इसे। बहुत खूब, बहुत खूब, शाबाश बादशाह। अरे दादा, तुमसे संभालो, मैं जरा पार्टी से मिला। बात करने से पहले उसे परख लेना कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना माल दे सकेगा, कहीं सौदा सस्ते दामों ना चुका देना। अरे नहीं दादा, माल पानी की फिक्र ना कर, बस दुआ कर बादशाह खैरियत से आ जाए। वो तुझे फांसी लगा दे। अरे लगा भी सकता है, किसी मामूली आदमी का बेटा नहीं, जज अकबर अली का बेटा है ये। अकबर अली का बेटा है? हाँ दादा, मैं चला। सुन, क्या बात करेगा? अरे तू फिक्र ना कर दादा, ऐसा काम दिखाऊंगा, ऐसा काम दिखाऊंगा, सारी जिंदगी याद करेगा बादशाह को। हाँ, याद तो वो मुझे करेगा। उसे हर जगह तलाश किया जरीना, कहीं नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी है। रिपोर्ट में अगवा करने वाले का नाम भी लिखवा दिया है या नहीं? क्या पता किसका नाम लिखवा था, किसने अगवा किया है? उसका नाम है अकबर अली, जज अकबर अली। जरीना। हाँ, मेरे बच्चे को अगवा करने वाले का नाम अकबर अली है। तुम ठीक ही कहती हो जरीना, उसकी जुदाई और अपने जुर्म का एहसास मेरे लिए एक नासूर बन गया है। लेकिन मुझे बताओ जरीना, वो बदनसीब क्या करे जो एक बाप है, शौहर है, जज है, लेकिन किस्मत के हाथों लाचार हो गया, वक्त के हाथों मजबूर हो गया। जज है तो एक मुजरिम के किस्मत का फैसला सुना दीजिए, जिसने उसकी मां से उसका बेटा और बेटे से उसकी मां छीन ली है। मैं आपको इंसाफ की उस ऊंची कुर्सी पर बैठाकर खुद उस कटहरे में खड़ी हो जाती हूँ, जहाँ फरियादी अपने लुटने पर इंसाफ मांगता है। इंसाफ कीजिए जज साहब, इंसाफ कीजिए। मुझसे इंसाफ मांगने के बजाय जरीना, खुदा से रहम की भीख मांगो। तुम अपनी ममता का दामन फैलाओ, मैं अपनी खाली झोली फैलाता हूँ। वो गफूर रहीम है, रब करीम है, किसी को मायूस नहीं करता, किसी को खाली हाथ नहीं कर। मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से जमाना जा नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से जमाना जा नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो। नवासों का सदका अता हो, घर पे आया हूँ बनकर सलामी।
ये किस्मत का चम का सितारा, ये किस्मत का चम का सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, ये किस्मत का चम का सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चम का सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। सरे महशर गुनहगारों से पुरसिश जिस खड़ी होगी, यकीनन हर बशर को अपनी बख्शिश की पड़ी होगी, सभी को आस उस दम कमली वाले से लगी होगी, कि ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी, ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी, पुकारेगा दमाना, पुकारेगा दमाना, उस घड़ी दुख दर्द के मारो, न घबराओ गुनहगारो, न घबराओ गुनहगारो, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे जिनके कांधे पे कमली है काली, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, आदमी साहब जी से मिलने आया है। कह दो कि साहब घर पे नहीं। मैंने कहा था वो नहीं गया, कहता है जज साहब से मिलकर ही जाऊंगा, अनवर मियां के मुतालिक बात करनी है। अनवर मियां के मुतालिक? जी। या अल्लाह, अनवर मियां का पता चल जाए। अनवर एक ग्रोह की कैद में, अगर मुंह मांगी कीमत आती गई तो अनवर को मुल्क से बाहर भेज देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। वहां आप नहीं जा सकते बेगम साहिबा, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। तो क्या हुआ, वो खतरनाक लोग भी एक माँ का मकाम जरूर पहचानते होंगे। मेरे बच्चे को उठाकर ले जाने वाला भी तो किसी माँ का बेटा होगा, मेरे बच्चे को कैद में रखने वाले भी तो किसी को माँ कहकर पुकारते होंगे। मुझे वहां ले चलो, मैं अपने बच्चे के लिए उनके सामने छोली फैला दूंगी। मुमकिन है बच्चे को उठा के ले जाने वाला अपनी जरूरत के हाथ तो मजबूर हो गया हो। अपनी जरूरत के लिए दूसरों के तड़पाने वालों पर खुदा का कहर क्यों नहीं नाजिल होता? ऐसे लोगों पर बिजली क्यों नहीं टूट पड़ती जो माओ की गोद उजाड़ देती? उन लोगों पर कयामत क्यों नहीं गुजर जाती जो बच्चों को माँ से जुदा कर देते हैं? खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे से मिला दो भैया, कसरत तुम्हें खुदा देगा, एक बहन सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं देती रहेगी। भैया 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 कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो बहन, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप जैसी भाई से बात हो। भाई कहकर पुकारे। रिश्तों को दौलत और इज्जत के खानों में तकसीम ना करो भैया, मेरा कोई भाई नहीं, आज तुम्हें देखा तो न जाने। तो फिर ही आंसू पोछ डालो बहन, जिन बहनों के भाई जिंदा हो वो रोया नहीं करती। भैया कोशिश करूंगा कि मुन्ने को वापस दे आऊं, अगर ना ला सका तो ठीक 4 बजे जज साहब को क्रिकेट क्लब भिजवा दीजिए। फिलफिल क्या नाम है तुम्हारा? औरत। मैंने नाम पूछा है जिंस नहीं पूछी है, नाम बताओ अपना। तुम्हारे आदमी मुझे औरत समझकर उठा रहे हैं, इसलिए मेरा नाम सिर्फ औरत है। हाँ, बड़ा ही प्यारा नाम है। आपकी तारीफ बहन।
तुम किसी ना किसी की बहन जरूर होगी, लेकिन अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? अब यहाँ आ गई हो तो नाम बदल लो। अमेरिकन, आपकी तारीफ बेटी। ये तो पूरा खानदान ही आया हुआ है यहाँ। आपकी तारीफ इज्जत। बहुत खूब। औरत, बहन, बेटी और इज्जत, लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं और इनके नाम भी अच्छे हैं। माशे, आज रात बाहर से हमारे मुस्तकिल गाहकार हैं। हमने इन लड़कियों का उनके साथ सौदा करना है। इन्हें खूब सजा बना कर लाना। इन्हें सजाना है तो इनकी आंखों में काजल नहीं, इनके मुकद्दर की स्याही भर दो। होठों पर इनके अरमानों का खून लगा दो और गालों पर इन खून रोती हुई आंखों का लहू सजा दो। ये बिक जाएंगे, लुट जाएंगे। इकने पर न कोई मातम करेंगी और न लुटने पर तुमसे कोई शिकायत। बेटी तुम्हारे जुल्म को अपना मुकद्दर समझ लेगी और बहन मजबूरी, इज्जत भी खामोशी से लुट जाएगी। मगर औरत तुमसे तुम्हारी गैरत से ये सवाल जरूर करेगी कि इसे घर की चार दीवारी से निकाल कर बाजार और महफिलों में क्यों सजाया गया है। हम सवाल करने वाली जान काट देंगे। तब भी औरत जरूर सवाल करेगी। जबान काट दोगे तो आंखें सवाल करेगी, आंखें फोड़ दोगे तो उसके जिस्म का रो रो सवाल करेगा। जब तक इस दुनिया में मर्द का बनाया हुआ कानून चलेगा, कोई औरत हमसे कोई सवाल नहीं कर सकती। ये हमारा मुआशरा है, हमारा समाज है। हम औरत को जैसे रखेंगे वो रहेगी। हम शिकायत को बगावत और बगावत को गुनाह समझते हैं, इसलिए औरत न हमसे शिकायत कर सकती है न सवाल। Thank you.
जवाब दो मर्दो, सदाए दर्द सुनो, आज छूटे हम दर्दो। सवाल करती है यार, जवाब दो मर्दो, जवाब दो मर्दो, जवाब दो मर्दो। खुदा ने हमारी सुन ली है, हमारे अनवर का पता चल गया है। पता चल गया? वो ग्रीन क्लब में उस ग्रोह का एक आदमी आया था, उसने कहा है कि वो मुझसे वादा कर गया है कि शाम को 4 बजे तक अनवर को ले आएगा। अगर वो ना ला सका तो फिर आपको ग्रीन क्लब जाना पड़ेगा। ग्रीन क्लब? तुम्हारे हर सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे सवाल का जवाब। आ गई। बड़ी मुश्किल से मिली है दादा, चोर दरवाजे से भागने की कोशिश कर रही थी। तूने जो भरी महफिल में सवाल किया था उसका जवाब सुने बगैर ही भाग रही थी। आज मैं तुझे तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। ये क्या कह रहे हो दादा? जानते नहीं हो ये मेरी बेटी है? जानता, ऐसी ही कई बेटियां तुम्हारे हाथों हमारी खापकार तक पहुंची, आज तुम्हारी बेटी पहुंच जाएगी तो क्या? दादा! गुनाह इतनी ऊंची आवाज में नहीं चीखा करते मुआशरे, तूने इतनी ऊंची आवाज में बोलना किससे सीख लिया? आज गौरी को उसकी बगावत की सजा जरूर मिलेगी। ये बात है तो सजा गौरी को नहीं गुनाहगार को मिलेगी। आज गुनाह गुनाह से टकराएगा। तू मुझसे टकराएगा? तू जिसके हाथों बेशुमार लड़कियां बर्बाद हो चुकी है। माशरे ने कभी किसी को तबाह नहीं किया, माशरे ने कभी किसी को नहीं बिगाड़ा। तुम जैसे लोगों ने मिलकर माशरे को बर्बाद किया है, और आज आज माशरा तुमसे अपनी बर्बादी का इंतकाम भी लेगा और अपनी बेटी की तरफ बढ़ने वाला हाथ भी काट डालेगा। माशरे, तूने जब मारा है कमजोर को मारा है, दादा तुझे आज चोटी की तरह मसल जानेगा। अपनी बहनों के जिस्म ढांप रह सकू, अब इस छत के नीचे वहां कभी जन का बदाव सजेगा ना जिस्मों की तजारत होगी। इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां बोला नहीं करती बादशाह। आज मुझे पता चला है कि हैरत क्या होती है। आज मुझे मालूम हुआ है कि गुनाह कितना गंदा होता है, और आज मैंने जाना है कि एक सच्चाई का एक नमा की सारी जिंदगी से कितना अच्छा होता है। ये नेकी और सच्चाई का सबक कहां से सिखाया है तू? गौरी की फरियाद, बच्चों की चीखें और मासूम लड़कियों की सिसकियां जिस समीर को ना जगा सकी, आज उसे एक बहन की आस में जगा दिया। तेरे से उनकी इंतजार हो चुकी था, क्यों अनवर को मेरे हवाले करके सब लड़कियों का साथ देता हूं। इनकी आजादी की कीमत जानता है तू? आजादी भेद में नहीं मिलती, आंसुओं से जंजीरें नहीं टूटती। ये नई दरखास्त नहीं, मेरा हुक्म है, चाहता ही नहीं। जिंदगी चाहता है तो खामोशी से चला जा बादशाह, वरना मैं वो सर कुचल दिया करता हूँ जो मेरे सामने उठता है, मैं वो हाथ तोड़ दिया करता हूँ जो मेरी तरफ बढ़ता है। भारत तक गुनाह की कमाई पे पलने वाला मत, ना तो किसी का हाथ तोड़ सकता है ना किसी का सर कुचल सकता है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि उन मर्दों के पास में कितना जोर होता है जो औरत की कमाई पे पलता है। नहीं तो आज क्या बचू पड़ेगी? तूने सब क्या उसका नाम सुना है? कौन डाले? Thank you.
जेल भिजवाया था। आज मैं आपके बच्चे को मारकर आपको उस फैसले का इंतकाम लूंगा। आज मैं फैसला करूंगा आपके इस बच्चे की जिंदगी और मौत का। जिंदगी और मौत का फैसला करना खुदा का काम है जग्गू, छोड़ दे मेरे बच्चे को। खुदा आसमान पर और मैं आपके बहुत नजदीक हूँ जज साहब, इसलिए इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। Thank you.
आपकी अमानत आप तक पहुँच गई, अब जा सकते। लेकिन कहाँ जाओगे तुम, यहाँ क्यों नहीं रहते? ये तुम्हारी बहन का घर है। भाई अपने घर नहीं रह सकते। लेकिन भाई भाइयों के घर तो रह सकते हैं, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? जरूर समझता हूँ, लेकिन अब मैं मजदूरी करके अपना छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ। तो फिर जरूर जाओ बादशाह, लेकिन इतना याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे और गोरी के लिए हमेशा खुले। आप जा रही हैं बाजी? हाँ मुन्ने, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हम भी तो सुने, क्या बात है? नहीं बादशाह भैया, बात जरा प्राइवेट है। ओह क्या बात है मुन्ने? अपने घर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी बाजी? मैं भला अपने प्यारे से भाई को कैसे भूल सकती हूँ? अरे ये आपकी आंखों में आंसू, ये बिन बादल बरसात कैसी? नहीं मुन्ने, ये तो खुशी के आंसू है। आज मेरा भाई अपने घर पहुंच गया है ना, अल्लाह से दुआ है मेरे भाई को हमेशा खुश रखे। अगर ये बात है तो फिर मेरी दुआ है कि आप और बादशाह भैया हमेशा सुखी रहे। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा खुदा। तू मेरा प्यार है, तुझको सदा मैं चाहूंगा। तू मेरा प्यार है, तुझको सदा मैं चाहूंगा। रही